सपा को सीटें नहीं मिलने पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है और कहा कि जो हमें इग्नोर कर रहा है उनसे पूछो, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। और कहा कि अगर हमें गठबंधन में सीटें नहीं मिल रही हैं, सपा अकेले उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बयान उन्होंने दिया है और कहा कि जहां हमारा गठबंधन है और जहां चुनाधार है। अब तक के घटनाक्रम पर अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया और नोएडा पहुंचे हुए थे, जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि जहां हमारा संगठन है और जहां जनाधार है वहां पर चुनाव तो लड़ा ही जाएगा। आपको बता दें कि लगातार सीटों को लेकर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर खींचतान लगातार जारी है। और आगे उन्होंने कहा कि जो हमें इग्नोर कर रहा है उनसे पूछो कि आखिर राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। और इसी पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। तो महाराष्ट्र में पेच फंसता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और जिसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ बयान दिया है सुनिए। इग्नोर किया जा रहा है आपको लगता है कितनी? ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर से लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, महाराष्ट्र में सीटों को लेकर पेच कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आया। अभी आपने दो दिन पहले अबू आजमी को सुना था, जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि अगर हमको 5 सीटें नहीं दी गई तो 25 के लिए उनके प्रत्याशी तैयार है। 25 सीटों पर वो चुनाव प्रचार के साथ साथ प्रत्याशी भी उतारेंगे। और इसी को लेकर अब बात की जाए तो जिन 5 सीटों की डिमांड की जा रही है उन पर महाविकास अघाड़ी ने 3 पर उम्मीदवार भी उतार दिए। इग्नोर किया जा रहा है आपको लगता है कितनी? ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर से लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। तो देखिए, सीटों को लेकर पेच लगातार महाराष्ट्र में फंसता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी जिसके 2 विधायक हैं महाराष्ट्र में, अब सीटों की डिमांड को लेकर महाविकास अघाड़ी की तरफ से अबू आजमी को कल तक का समय दिया गया था। और अबू आजमी को जिस तरीके से सुना गया, उन्होंने कहा कि हम शाम तक इंतज़ार करते रहे लेकिन कोई भी फोन नहीं आया। और अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है और इससे कहीं ना कहीं बड़ा घाटा जो है वो महाविकास अघाड़ी को हो सकता है। और जिन 5 सीटों की अगर बात की जाए जिनकी डिमांड अबू आजमी कर रहे हैं, उनमें से 3 सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने प्रत्याशी भी उतार दिया है। क्योंकि देखिए, अबू आजमी ने धुले सिटी, भिवंडी पूर्व और साथ ही मानखुर्द, भिवंडी पश्चिम और साथ ही मालेगांव सेंट्रल सीटें मांगी थी। तो वहीं अबू आजमी खुद मानखुर्द शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और भिवंडी पूर्व से सपा के रईस शेख विधायक हैं, लेकिन धुले सिटी से पूर्व विधायक अनिल गोटे को अपना उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी ने बना दिया है, जिसमें शिवसेना ने प्रत्याशी बना दिया है, उतार दिया है। तो वही मालेगांव सेंट्रल जहां की अगर बात की जाए तो अबू आजमी उस सीट को डिमांड कर रहे थे महाविकास अघाड़ी से, लेकिन उस सीट पर भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो देखिए, लगातार सीटों को लेकर अटकलें लगातार बढ़ती जा रही हैं कि आखिर क्या
सीटें मिलेंगी। और रवि तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सर ये सीटों को लेकर जिस तरीके से खींचतान चल रही है, इससे क्या देखते हैं कि किसको बड़ा घाटा होगा? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो 5 सीटों की डिमांड अबू आजमी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल तक हम इंतजार कर रहे थे और हमको कोई फोन नहीं आया। अब हम उन्होंने तो हालांकि यही कहा कि हम 25 सीटों पर प्रत्याशी उतार देंगे, लेकिन अभी अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे, अखिलेश यादव ने कहा कि हम उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे जहां की हम डिमांड कर रहे थे और हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि गठबंधन को कोई नुकसान ना हो। कैसे देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल? देखिए सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इस पूरे गठबंधन में समाजवादी पार्टी कहीं पिक्चर में थी ही नहीं, तो ऐसे में अचानक डिमांड जो शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं एक अप्रत्याशित रही है कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के बीच में। उसके लिए कोई स्पेस बना ही नहीं है, जो शुरुआत में होनी चाहिए थी बातचीत कि वो समाजवादी पार्टी उनके साथ जुड़ रही है, इसीलिए ये स्पेस नहीं बना और स्पेस नहीं बनने की वजह से लोगों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। समाजवादी पार्टी की जो बातचीत भी हुई है वो मीडिया के जरिए हुई है, ना कि नेताओं के जरिए हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अभी जो सबसे बड़ा पेच फंसा है वो समाजवादी पार्टी के लिए है, वो ये कि उनके जो सबसे बड़े नेता हैं अबू आसिम आजमी, वो खुद ही सत्ता पक्ष के नवाब मलिक से घिरे हुए हैं। उनकी सीट को लेकर कहा जाए तो स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है। तो अभी समाजवादी पार्टी के लिए जो उनकी मौजूदा सीटें थी उन पे निगोशिएशन करना चाहिए था। देखिए इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी या फिर ओवैसी की पार्टी, इन दोनों पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसे में उनको ये था कि कहीं ना कहीं अपनी मौजूदा स्थिति को समझते हुए समझौता करना चाहिए था। अब अचानक जब चुनाव सर पे आ गया, आचार संहिता लागू हो गई, उम्मीदवारों के बारे में एक हिंट दे दिया गया है पहले से, तो ऐसे में अगर वो चुने जा रहे हैं या उनकी डिमांड हो रही है तो मुश्किलें तो जरूर आने वाली हैं। समाजवादी के लिए ज्यादा मुश्किलें हैं मैं ये कहूंगा, ना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों के लिए, क्योंकि उनकी स्थिति स्पष्ट है पहले से। लेकिन सर जिस तरीके से हमने कई नेताओं को सुना, इंडिया गठबंधन के नेताओं को सुना कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो हमने गलती की है वो हम दोहराना नहीं चाहते, और वही गलती कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी जो सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ना तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस में बन रही है, ना ही शरद पवार वाली पार्टी से उनका तालमेल बैठ रहा है, अभी तक भी उसमें सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो अबू आजमी जो है वो अलग से कह रहे हैं कि हमको 25 सीटें पर प्रत्याशी उतारने हैं अगर हमको 5 सीटें नहीं दी गई। देखिए ये सब कुछ बड़ा अप्रत्याशी सा है, खासकर इंडिया गठबंधन के साथ जो बातचीत शुरुआत से होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। अगर वो बातचीत शुरुआत से होती तो हो सकता है 5 सीटों के लिए तालमेल बिठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अभी जो महाराष्ट्र में हवा है वो सीधे के सीधे सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो 3 पार्टियां हैं उनके बीच में है। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बन नहीं रहा। ऐसे में ये था कि जैसे अबू आसिम आजमी की, रई शेख की, कुछ सीटें ऐसी थी जिनपे उन्हें समझदारी के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, तो उतनी सुरक्षित सीटें निकाल लेनी चाहिए थी, वो गड़बड़ी हुई है। इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी अगर जिता नहीं सकती तो क्योंकि करीब करीब ऐसी 30 से 35 सीटें हैं जहां पे बड़ा ही मार्जिनल जीत का दायरा होगा। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी अपने लोगों को उतारती है तो जाहिर सी बात है कि वोट कठुआ वाली कंडीशन उसकी जरूर रहेगी महाराष्ट्र। और सर देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 विधायक है वहां पर समाजवादी पार्टी के, और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो स्थिति अगर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के है वही उत्तर प्रदेश में स्थिति कांग्रेस की है। यहाँ पर 2 विधायक, 1 सांसद, और यहाँ पर आप 17 सीटों की डिमांड करते हैं। 20 सीटों की डिमांड अभी लोकसभा चुनाव में की गई थी, 17 सीटें दी गई। अगर समाजवादी पार्टी वहां पर 5 सीटों की डिमांड कर रही है तो मुझे नहीं लग रहा कि गलत है। देखिए बात 5 सीटों की नहीं है, शुरुआती जो एंट्री करनी थी समाजवादी पार्टी को वो एंट्री लेट हुई है। वो एंट्री तब हो रही है जब आचार संहिता हो गई है, जब निश्चित कर लिया गया था कि कौन कहाँ पे लड़ेगा, कैसी रणनीति बनेगी। जैसे विदर्भ और मराठवाड़ा का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के लिए छोड़ा गया, पश्चिम महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा एनसीपी के लिए छोड़ा गया, और जो अर्बन इलाका रहा वो शिवसेना के लिए ज्यादातर हिस्सा दिया गया। तो ये जो बंटवारा हो रहा था उसमें समाजवादी पार्टी की एंट्री बहुत लेट हुई, यानी उसने अपनी स्पेस और अपने दावों को जो कनेक्ट करना था महाराष्ट्र के राज्य स्तर नेताओं से वो नहीं किया गया, या फिर दिल्ली में अखिलेश यादव ने भी अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं की। ये पेच अब फंस रहा है जब
उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। 3-5 सीटों में से 3 ऐसी सीटें हैं जहां पे ऑलरेडी जो है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, तो ऐसे में मुझे थोड़ी सी मुश्किलें नजर आ रही हैं। हाँ, एक चीज है कि 5 वो सीटें हैं जहां पे समाजवादी की कभी पकड़ हुआ करती थी, अबू आसिम आजमी की, जैसे वो पार्टी के अलावा उनकी इंडिविजुअल बहुत अच्छी खासी पकड़ है। रही शेख की भी वही कंडीशन है कि वो भिवंडी में अपनी पकड़ रखते हैं, तो इन दो नेताओं को लेके पहले स्थिति स्पष्ट करनी थी, बाकी सीटों के लिए बात करनी थी, जो चीजें की नहीं गई हैं। मुझे लगता है कि अब देर हो रहा है सर, रिश्तों में दरार आ सकती है क्या, क्योंकि जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए तो हम सभी ने देखा था कि समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक के खिलाफ कांग्रेस ने जब प्रत्याशी उतार दिया था, तो जिस तरीके से अखिलेश यादव के तेवर बदल गए थे, उन्होंने क्या क्या कह दिया था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए यूपी के, क्या वहां पर भी ऐसी कुछ स्थिति देखने को मिलेगी क्या? देखिए, अखिलेश यादव अगर प्रचार करने के लिए मुंबई में आते हैं, मुंबई के पेरिफेरी में आते हैं, जो सराउंडिंग एरिया में, जहां उत्तर प्रदेश के 30-60 वोटर हैं, वहां पे स्थिति अगर आप कहें तो मानी जा सकती है कि कहीं ना कहीं स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी विपक्ष में, जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और एनसीपी के लोगों के लिए उनके खिलाफ से कहीं स्थितियां जरूर खराब होंगी, ये उन्हें मानना पड़ेगा। यानी अगर वो बीच का रास्ता निकालते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी भले हो, नहीं तो मुश्किलें होंगी। अभी जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि आखिर में इन 5 सीटों के लिए वो तैयार क्यों नहीं हुए, खासकर कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा तीसरा फोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो अपने 3 उम्मीदवारों को उतार चुके हैं और एक जगह पे शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों को उतारा, अनिल गोटे को उतारा है, तो वहां पे अगर अभी भी कोई बीच का रास्ता निकाला जाए तो शायद स्थिति वो, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं, 20 नवंबर को इलेक्शन है और अभी सीटों की स्थिति स्पष्ट नहीं है, उम्मीदवारों को अगर अभी से इशारा नहीं किया जाएगा तो वो अपने इलाकों में भी एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, जो एक्शन चाहिए, चुनावी एक्शन जो चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, तो वो एक मुश्किल स्थिति जरूर है। लेकिन एक चीज मैं बार बार कहूंगा वो ये है कि समाजवादी की स्थिति अभी जिन 25 सीटों की बात कर रहे हैं, या MIM जो आमतौर पर स्पेसिफिक माइनॉरिटी वोट्स की बात किया कर रहा था, वो महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार वो स्थिति नहीं है। हरियाणा की बात अलग थी, हरियाणा में जो है अखिलेश यादव और उनके कुछ उम्मीदवारों की अपनी अलग पकड़ रही, जहां पे सिर्फ अबू आसिम आजमी एक बड़े और प्रभावशाली नेता है, उनके बाकी नेताओं को उतना वेट नहीं है। क्या तो, सर इसको क्या इसको यूपी के उपचुनाव को लेकर भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यूपी में आप लड़िए और महाराष्ट्र हमारे लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यही मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला भी तय हुआ होगा, जो कांग्रेस ने यहाँ पर बैकफुट कर लिया, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है और 9 सीटों पर कांग्रेस ने साफ कह दिया कि नहीं यूपी आप देखिए, महाराष्ट्र में हमको छोड़ दीजिए, तभी शायद यही वजह है कि 12 सीटों की पहले समाजवादी पार्टी डिमांड कर रही थी और 12 सीटों से फिर 5 पे आ गई और 5 से अब 5 में से 3 पर तो महाविकास आघाड़ी ने प्रत्याशी उतार दिए। बिल्कुल, देखिए दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, वो ये है कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो केंद्रीय नेताओं की पकड़ रही है वो अलग रही है और क्षेत्रीय नेताओं की अलग पकड़ रही है, खासकर महाराष्ट्र स्तर के जो नेता हैं उनकी निगोसिएशन, उनकी डील का तरीका अपने ही लोगों के बीच में जो चलता रहा वो बहुत अलग रहा है। अगर आपने देखा होगा कि आखिर में चीजें सब स्पष्ट हुई हैं विपक्ष में, कांग्रेस उद्धव ठाकरे और NCP में, सब जब राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में स्थिति आ गई है निपटाने की, तब हुआ था और यही कंडीशन सत्ता में बैठे हुए बीजेपी और इसके साथ शिंदे सेना के साथ भी रही है, तो ये एक एक्सचेंज फार्मूला कहीं ना कहीं सर मुझे लग रहा है कि ऐसा पेच फंसता हुआ नजर आएगा और इसका जो खामियाजा है वो इंडिया गठबंधन को एक बार फिर से भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए।